कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्त विकर्मणि। मानवता सिर उठाती है, मानवता करह उठती है। दानवता और मानवता का यह संघर्ष बहुत पुराना है। इस संघर्ष का परिणाम सबको मालूम है, लेकिन जब तक ये कथा अपने अंत तक नहीं पहुंचती, मानवता को अपार दुख और पीड़ा से जूझना पड़ता है। जब रावण ने यज्ञ रुकवाने के लिए कर अथवा रक्त जैसी भयानक शर्त रखी तो मैं कांप उठी। यह तो बर्बरता की हद है, किंतु शायद यही अत्याचार तो एक ऐसी कथा को जन्म देने वाला है जिसे संसार कभी भूल ही नहीं पाएगा, जो मानव इतिहास के एक सुनहरे युग की कथा सिद्ध होगी। महारानी, हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए कोई शुभ समाचार लाई होंगी। ये कैसे संभव है कि महाराज ने हमारी महारानी की बात को टाल दिया हो? हे महारानी, बताइए महाराज ने क्या कहा? उन्हें हमारे ऊपर दया आई? बहनों, मुझे बहुत दुख है कि आपको सुनाने के लिए मेरे पास कोई भी सुखद समाचार नहीं है। मेरी झोली में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो महारानी हैं, आप भी हमें न्याय नहीं दिला सकी। मुझे दुख है, मैं महारानी होकर भी आप ही की तरह विवश स्त्री हूं। आज मुझे ज्ञात हुआ कि स्त्री महारानी होकर भी केवल स्त्री होती है, जिसकी याचना को ठुकराया जा सकता है। मुझे क्षमा कर देना, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। लंकापति की जय हो। ये ऋषिगण हैं, इनका अपराध यह है कि इन्होंने यज्ञ तो किया किंतु यज्ञ का कर नहीं दिया।
कर नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इन दुष्टों का कहना है कि ये ऋषि हैं, आचार्या हैं, विद्वान हैं, धन प्राप्ति का कोई साधन नहीं है इनके पास। क्या ये सत्य है? ये सर्वथा सत्य है लंकेश। हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं नहीं है, हम कर देने के योग्य नहीं है। तो फिर बंद करो आडंबर, जिसे तुम यज्ञ कहकर पुकारते हो, बंद करो। परंतु ये तो हमारा धर्म है। मुझे तुम्हारे धर्म से नहीं, अपने कर से रुचि है। यदि तुम कर नहीं दे सकते तो तुम्हें दंड मिलेगा। आप राजा हैं, दंड देने का अधिकार है आपको। अधिक आज्ञा लंकेश। इनके शरीर से चार चार चषक रक्त निकाल लिया जाए। हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कीजिए। हम इन्हें मृत्यु दंड नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनके शरीर से रक्त इस प्रकार निकाला जाए कि जीवित भी रहे और जीवन को अभी शाप भी समझे। क्षमा महाराज, ले जाओ मेरे सामने से। मैं इन यज्ञ करने वाले ऋषियों को एक दिन में नहीं मारूंगा, इतनी सरलता से नहीं मारूंगा। मैं इन्हें इस प्रकार जीवित रहने दूंगा कि इन्हें जीवन से घृणा हो जाए। जान लीजिए महादेवी कि रावण के पतन की कहानी इसी रक्त से लिखी जाएगी। हे महादेवी, हर युग में यह होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। अत्याचार रक्त की नदियां तो अवश्य बहाता है, किंतु अंत में उन्हीं नदियों में डूब जाता है। परंतु हे कमलनयन,
अभी तो ऐसा लग रहा है मानो इन निर्दोषों का रक्त व्यर्थ जा रहा है। नहीं महादेवी, निर्दोषों, निर्बलों और दुखियों का रक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेवी, जिस प्रकार अंधियारी रात्रि सूर्य की एक किरण का भी सामना नहीं कर पाती, उसी प्रकार अत्याचार क्रांति की पहली चिंगारी को भी सहन नहीं कर पाता। दुखियारी मंदोदरी, कितनी भली नारी, कितना दुष्ट के चंगुल में फंस गई। महादेवी, कमल तो सदैव कीट में ही खिलता है ना, और मंदोदरी को इस क्रांति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। महादेवी, जिस क्रांति में नारी की भूमिका ना हो, वो क्रांति कभी सफल नहीं हो सकती। फिर वो क्रांति चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर। पति की जय हो। महाराज, मैं उपस्थित हूं, मेरे योग्य कोई आदेश? मैं ये जानना चाहता हूं कि ऋषियों पर लगाए गए यज्ञ कर से हमारे कोष में कितना धन एकत्र हुआ। आप मौन क्यों हैं महामंत्री जी? उत्तर क्यों नहीं देते? उत्तर क्यों नहीं देते आप? क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे उत्तर से आप तनिक भी प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? सत्य तो यह है महाराज कि यज्ञ कर से राजकोष में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई है। क्या? यह कैसे संभव है? इतने कड़े दंड के भय ने भी ऋषियों को भयभीत नहीं किया? यह कैसे संभव है महामंत्री जी? भयभीत हुए महाराज, हुए हैं भयभीत, किंतु निर्धन होने के कारण जिनके शरीर में शक्ति और रक्त है वे रक्त दे रहे हैं, और इस प्रक्रिया में बहुत से ऋषियों के प्राण भी जा चुके हैं। जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है वो हमारे राज्य से भागकर दूसरे क्षेत्रों में शरण ले रहे हैं। महाराज, हमारे राज्य से दुष्ट ऋषियों का भागना अशुभ समाचार नहीं है महामंत्री जी, किंतु ये अशुभ समाचार अवश्य है कि हमारे राजकोष में कोई वृद्धि नहीं हुई, यह अशुभ समाचार है। मैंने उनके शरीर से रक्त निकालने की योजना इसी लक्ष्य को सामने रखकर बनाई थी। या तो वे कर देंगे या फिर यज्ञ करना बंद कर देंगे। लगता है हमारे दोनों ही लक्ष्य पूरे नहीं हुए, किंतु अब उनके रक्त का हम क्या करेंगे? किस काम का उनका रक्त? लंकेश की जय हो। राजवधिक आपसे मिलना चाहता है महाराज। भेजो उसे। जो आज्ञा। महान सम्राट रावण की जय हो। मेरे पास आने का कारण बताओ। महाराज, ऋषियों के शरीर से निकाला हुआ रक्त इतनी बड़ी मात्रा में एकत्र हो गया है कि समस्त वातावरण के दूषित हो जाने का भय है। राजवैद्य ने चेतावनी दी है कि रक्त राज्य सीमाओं से बाहर ना निकाला गया तो सारे राज्य में महामारी फैल जाने का भय है महाराज। महामंत्री जी। जी महाराज। ऋषियों के रक्त को कागरों में भर लिया जाए और सेनापति को आदेश दीजिए कि वह सैनिकों से कहे इस रक्त को हमारी राज्य सीमा के बाहर फेंकाएं। जो आज्ञा महाराज। ठहरिए, और सेनापति से यह भी कहिएगा ये सारा कार्य रात्रि के अंधेरे में होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि यह कार्य कब हुआ और किसने किया। सब कुछ आपके आदेश अनुसार होगा महाराज। Thank you.
तो रक्त है, ये रक्त कहां से आया? आकाश से। आकाश से? चलिए गुरुदेव विश्वामित्र को इसकी सूचना दे, जाने ये क्या रहस्य है। चलिए 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 चलिए। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, क्या हुआ? सब कुशल तो है? गुरुदेव, हम सब तपस्या में लीन थे, हमारे शरीर पर और आसपास की भूमि पर कुछ छींटे गिरे, हमने देखा तो वो रक्त की बूंदे थी गुरुदेव। क्या, रक्त की बूंदे? चलिए देखते हैं। आइए गुरुदेव। ये तो घोर आश्चर्य है, यदि आकाश से रक्त बरसेगा तो इस धरती का क्या होगा? अवश्य ही इस धरती पर कोई प्रकोप टूटने वाला है। सारा रक्त राजा जनक के खेत में फेंक दिया। राजा जनक के राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है महादेवी। क्यों कमलनयन? महादेवी, मिथिला की उपजाऊ भूमि बंजर बन जाएगी, क्योंकि जिस भूमि पर निर्दोषों का रक्त छिड़का जाता है वो भूमि कुछ भी उपजाने योग्य नहीं रहती। किंतु हे कमलनयन, ये तो घोर अन्याय है। अपराध कोई करे, दंड कोई भुगते। निर्दोषों का ये लहू रावण के अपराधों का फल है, और दंड भोगेंगे तो क्या ने राजा जनक और उनके किसान, जिनकी भूमि बंजर हो जाएगी? महादेवी, विधाता के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ये तो असंभव है कि रावण को उसके अपराधों का दंड ना मिले, और राजा जनक के राज्य में अकाल का पड़ना यह भी किसी नई कथा का आरंभ सिद्ध होगा। कैसी कथा? अभी मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता महादेवी। हाँ, इतना अवश्य जानता हूं कि इस नई कथा की नायिका भी आप ही होंगी। मैं? कैसे? ये न पूछिए महादेवी। नहीं पूछूंगी, मैं जानती हूँ जिस कथा की नायिका मैं रहूंगी उसके नायक तो आप ही होंगे, और जिस कथा के नायक आप होंगे वो कथा मेरे लिए संसार की सुंदरतम कथा होगी। वास्तव में वो कथा बहुत सुंदर होगी महादेवी। उस कथा का एक छोर राजा जनक के राज्य में और दूसरा छोर राजा दशरथ के आंगन में होगा। परंतु हे कमलनयन, जिन दो राजाओं के नाम आपने लिए वो दोनों तो संतानहीन हैं। महादेवी, उन दोनों की संतानहीनता ही तो इस कथा का रहस्य होगा। यशस्वी भव। कैसे कष्ट किया राजन? हे कुलगुरु, मैं सर्वथा हताश और निराश हो चुका हूं। निराश किससे? स्वयं से, संसार से और ईश्वर से भी। हे प्रभु, हे प्रभु,
ईश्वर से निराश? ये तो पाप है राजन। उसके भेद कोई नहीं जानता। कैसे निराश ना हों गुरुदेव? पहले कौशल्या, फिर सुमित्रा और अब कह कही, तीन पत्नियों के होते हुए भी मेरे घर का आंगन सूना पड़ा है। राजन, संतानोत्पत्ति पत्नियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। इसके एक नहीं अनेक कारण होते हैं, और उनमें सबसे बड़ा कारण तो ईश्वर की इच्छा है। तो मैं ईश्वर को कैसे मनाऊं गुरुदेव? क्या प्रार्थना करूं? चिंता मत कीजिए राजन, हर कार्य का एक समय होता है, और अब वो समय आ गया है। मैं आपके घर में संतान की उत्पत्ति के लिए पुत्र का मेष्टि यज्ञ करूंगा, और उसके उपरांत यह असंभव है कि आपके संतान का जन्म ना हो। तो गुरुदेव, ये यज्ञ मैं पहले भी कर सकता था, किंतु मुझे उचित समय की प्रतीक्षा थी। निश्चिंत होकर जाइए राजन, यज्ञ की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भाव। इतने व्याकुल क्यों हैं? हे महाराज, हम लूट गए, हमारे हरे भरे खेत सूख गए हैं। महाराज महाराज, हमारी उपजाऊ धरती देखते ही देखते बंजर हो गई है। महाराज हे महाराज, सारे ताल तलैया कुएं झरने सूख गए हैं, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता। महाराज हमारे पशु पक्षी भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर चुके हैं। महाराज हे महाराज, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, हमारे बच्चे भूख से पिलक रहे हैं। महाराज भूख से पिलक रहे हैं। महामंत्री जी। आज्ञा महाराज। कोषाध्यक्ष को आदेश दिया जाए कि कोषागार का मुख खोल दिया जाए। यदि अकाल के कारण हमारे राज्य में मृत्यु की एक भी घटना हुई तो उसके लिए सभी कर्मचारियों को उत्तरदायी माना जाएगा। अकाल से पीड़ित प्रजा को जी खोल कर धन दिया जाए, भले ही इससे हमारा समस्त राजकोष रिक्त क्यों ना हो जाए। राजन, प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भव। राजन, आपकी उदारता और प्रजापालन की भावना सराहनीय है, पर उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्यों गुरुदेव? क्योंकि यह प्रकृति का प्रकोप नहीं है, इसका कारण कुछ और ही है। आपका राजकोष
वास्तव में रिक्त हो जाएगा, पर धरती की कोख हरी नहीं होगी। इसके लिए तो आपको कुछ और ही करना होगा। क्या करना होगा गुरुदेव? मैं अपनी पीड़ित प्रजा को इस अकाल से बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे शीघ्र बताएं गुरुदेव कि मैं क्या करूं। इस विपदा को टालने के लिए साधारण किसान की भांति स्वयं आपको हल जोतना होगा, धरती की जुताई, बुआई और गुड़ाई करनी होगी। मुझे स्वीकार है गुरुदेव, मेरी तो प्रजा ही किसान है, और किसानों का राजा होकर भला मुझे स्वयं हल चलाने में क्या आपत्ति हो सकती है? संभव है इस अकाल का यही कारण हो कि मैंने किसानों का राजा होना तो स्वीकार कर लिया, परंतु अपनी प्रजा की भांति उसके साथ कभी हल नहीं चलाया, कभी खेती नहीं की। गुरुदेव, मैं अपनी प्रजा के कल्याण के लिए स्वयं हल चलाऊंगा। प्रजापालक महाराज जनक की जय! प्रजापालक महाराज जनक की जय! प्रजापालक महाराज जनक की जय! हे कमल नयन, मिथिला नरेश जनक ने कितना सुंदर और कितना अनुपम निर्णय लिया है। इस संकट की घड़ी में वो अपनी किसान प्रजा के भांति खेत में हल चलाएंगे। उनका ये निर्णय सुनकर मेरे हृदय प्रसन्नता से झूम उठा है। हे महादेवी, और आपको इतना प्रसन्न देखकर मुझे जो प्रसन्नता हो रही है उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। महादेवी, राजा वही है जो स्वयं को प्रजा के सुख दुख का भागीदार समझे। वो राजा ही क्या जो स्वयं को प्रजा से दूर रखकर अपने राजभवन के ऐश्वर्य का बंदी हो जाए, स्वयं अपने सुखी संसार में इतना मग्न हो जाए कि उसे ये पता ही न हो कि प्रजा पर क्या बीत रही है, प्रजा कैसे जी रही है। हे महादेवी, जो राजा संकट की घड़ियों में प्रजा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हो सकता वो राजा कहलाने योग्य ही नहीं है। और मुझे इसलिए और भी प्रसन्नता हो रही है कि जनक ने किसान के महत्व को पहचाना। यदि ईश्वर जन्मदाता है तो किसान अन्नदाता है। वो धरती को अपने लहू से सींच कर मानव को जीवित रहने का साधन प्रदान करता है। सर्वथा सत्य है महादेवी, किसान धरती पर ईश्वर का सहायक होता है। परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी, कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है, परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है। इसलिए हे महादेवी, राजा जनक का हल थामना उनका गौरव कम नहीं करता, बल्कि उसमें और भी वृद्धि करता है। हे कमल नयन, मेरे मन में राजा जनक के प्रति अपार स्नेह और आदर भाव का सागर उमड़ने लगा है, न जाने इसका क्या कारण है। महादेवी, कारण के बिना किसी रहस्य का अस्तित्व संभव ही नहीं है। जिस प्रकार बादल के बिना बरखा नहीं हो सकती, अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, उसी प्रकार कारण के बिना कोई रहस्य जन्म ही नहीं ले सकता महादेवी। हाँ, इतना अवश्य है कि रहस्य वही अति सुंदर होता है जिसका कारण तुरंत समझ में ना आए। हे जगदीश, हे श्रीहरि, आप तो कारणों के कारण हैं, रहस्यों के रहस्य। मैं बहुत व्याकुल हो उठी हूँ, आप ही बताइए ना इस रहस्य का क्या कारण है। आप कथा प्रारंभ होने से पहले ही उसका अंत जानना चाहती हैं महादेवी। महादेवी, व्याकुल न हो, कारण अतिशीघ्र आपके समझ में आ जाएगा। आप तो बस जनक की मिथिला नगरी पर अपनी दृष्टि जमाए रखिए और मुझे ये देखने दीजिए कि दशरथ की अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है। शांत हो जाइए, क्या हुआ? हे ऋषिवर, दुष्ट रावण ने हमारा जीवन अजीर्ण कर दिया था। बहुत से ऋषि यज्ञ करने के कारण मारे गए। हम किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर यहाँ आए हैं, कुछ उपाय कीजिए ऋषिवर। धीरज धरिए ऋषिगण, यहाँ आपको कोई भय नहीं। और कितने ऋषि हैं जो अब भी लंका में हैं? उनकी संख्या का कोई अनुमान नहीं, वे अनेक हैं। न जाने दुष्ट रावण उनमें से कितनों के प्राण लेगा। कोई उपाय कीजिए ऋषिवर, कोई उपाय कीजिए। उपाय?
इसका उपाय केवल देवर्षि नारद ही कर सकते हैं। नारायण नारायण, मुझे स्मरण किया ऋषिवर। अरे आप लोगों की दशा तो बिना कुछ कहे ही अत्याचार की पूरी परिभाषा बता रही है। लंकापति रावण ने इन्हें इस दशा को पहुंचाया है, और यदि सूदन ली गई तो जो ऋषिगण लंका में रह गए हैं एक एक करके उनका भी अंत हो जाएगा। इसलिए हे देवर्षि, हमारी आपसे ये विनती है कि आप श्री विष्णु से आग्रह करें कि वे इन ऋषियों के संकट का निवारण करने और दुष्ट रावण का नाश करने के लिए इस धरती पर अवतरित हो। होना तो यही चाहिए ऋषि विश्वामित्र, किंतु लक्ष्मी नारायण को मनाने के लिए बड़ी घोर तपस्या करनी होगी, और यह कार्य मैं नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं कर सकते देवर्षि? कारण यह है श्रीमान कि मुझसे एक भूल हो गई। मैंने दक्ष के 10,000 पुत्रों को दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया, जिसके फलस्वरूप दक्ष ने मुझे श्राप दिया कि मैं किसी भी एक स्थान पर कुछ ही क्षण टिक सकता हूं। अब मैं क्या करूं? यदि मैं तपस्या आरंभ करता हूं तो मुझे उस स्थान को कुछ ही क्षणों में छोड़ना पड़ेगा, और भगवान श्री विष्णु को धरती लोक पर लाने के लिए कुछ ही क्षणों की तपस्या तो सर्वथा अपर्याप्त है। इसका समाधान है देवर्षि, और इसका केवल एक ही समाधान है। यदि ये समस्त ऋषि अपने जीवन में की हुई तपस्या का तपोबल आपको दे दें तो आप एक लंबी तपस्या की क्रिया से बच जाएंगे। हे ऋषिगण, क्या आप इस त्याग के लिए तैयार हैं? ये तो हमारा सौभाग्य होगा। मुझे धरती पर बुलाना चाहते हैं। तो क्या आप नहीं जाएंगे? जाऊंगा तो अवश्य, जाना पड़ेगा महादेवी, परंतु मुझे एक चिंता हो रही है। किस बात की चिंता देवेश्वर? चिंता यह है महादेवी कि
कहीं देवराज इंद्र इसका उल्टा अर्थ नहीं निकाल ले। देवराज की आपने भली चलाई। वे तब से इतना भयभीत रहते हैं कि मानो तब का आविष्कार ही उनका विरोध करने के लिए हुआ हो। क्या किसी ने आसन लगाया, आंखें मूंदी, वहां उनका सिंहासन टोलने लगा। महादेवी, आपके मुख से शब्द निकलने की देर थी, वो देखिए। उनका आसन डोले ना डोले, उनका निश्चय अवश्य डोलने लगा है। ये विमर्शी को क्या सूची, क्यों कर रहे हैं तप? उन्हें तपस्या की क्या आवश्यकता पड़े? हे देवराज, यदि आप आज्ञा दें, यदि आप कहें तो हम पता लगाएं कि उनकी तपस्या के पीछे क्या रहस्य है। पता लगाने की क्या आवश्यकता है अग्निदेव, क्या आवश्यकता है? हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि जो भी तपस्या करता है उसकी आंख देवेंद्र के सिंहासन पर ही होती है। कामदेव, कामदेव! मैं उपस्थित हूं देवराज। चाहिए किसी भी ढंग से, स्मरण है किसी भी ढंग से देवर्षि की तपस्या में विघ्न डाल दीजिए। हम नहीं चाहते कि बात इतनी बढ़ जाए कि नियंत्रण के ही बाहर हो जाए। देवर्षि का ध्यान बटा दीजिए, उन्हें तपस्या से रोक दीजिए। जाइए। जो आज्ञा देवराज। हमारी आज्ञा का विलंब पालन हो। सीमा से भी बढ़ गया जब रावण का पाप, धरती व्याकुल हो उठी, हुआ घोर संताप। आसन डोला इंद्र का, नारद का तप देख, देवराज को क्या पता क्या है विधि का लेख, क्या है विधि का लेख। जो सुने चल सुझा।